बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है। इन्हें श्राद्ध भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के दौरान भूल से भी लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में लोहे का सामान खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में नए कपड़े या गहने आदि खरीदने की भी मनाही होती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ये आपके पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। इसी के साथ नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित माना जाता है। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद लेनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज ना खाएं, सात्विक भोजन ही खाएं। इसके साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें।